सत श्रीकाल दोस्तों, इस टाइम असी खड़े हैं घग्गर के किनारे ते जो कि अमृतसर खूह के बिल्कुल बराबर ते साडे नाल मौजूद ने दमदमे तो सरपंच साहब गुरमुख सिंह जी बोपा रहे। आओ आप इन्हां नाल गलबात करते हैं भी अज जो पानी की स्थिति है वह की है, चढ़िया जा उतरिया जा ये की हालात ने। पहला तो मैं तुहाडा मनन जी ADC चैनल का धन्यवाद करदा जी, जिहड़े ये समय समय ते सारे पूरे अपने दा जिहड़ा मौके दे हालात ने घग्गर दे उन्हां नूं लोकां नाल रूबरू कराउंदे ने जी, ते साडे वी इत्थे तुसीं आए हो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद पहलां तां जी, क्योंकि लोकां नूं जिहड़ी लेटेस्ट है स्थिति है उहदे बारे जे तुसीं इत्थे ना आओगे ते मतलब पता नहीं लग रहा जी, ते तुहाडा धन्नवाद है इस करके है कि तुसीं बहुत जल्दी सारे मतलब जगह दे उत्ते जा के परसनली फेक न्यूज़ नहीं दिंदे, तुसीं सारियां मतलब लोकेशन दे उत्ते जाके जो एक्चुअल फिजिकली पोजिशन है उन्हूं तुसीं नशर कर दे सारे इलाके, इस वास्ते तुहानूं मैं तो बधाई दे पात्र भी दांगा ताकि लोगों के कई फेक न्यूज भी आ हो गया वह हो गया तुसीं इस तरह के अफवाहों तो तुसीं रहत हो, ये तुहाडा धन्नवाद जी तुसीं साडे कोल इत्थे आए जी। और जिहड़ा ये पानी का पद्धर अज किन्ना चढ़िया वधिया जां घटिया? ये जी पानी का पद्धर चढ़िया होया, मैं रात भी कल दा लगभग इत्थे ही हाँ, तो रात पानी चढ़िया सीगा जी लगभग 3 to 4 inches के बिच साढ़े इत्थे निशानी लाई हुई सी, वो कहिंदे हुंदे ना है तां हासे वाली गल सी, एक कद्दू बन्निया होया जी इत्थे जी किक्कर नाल वो लटकदा, तो वह असी 3 inches उच्चा बन्निया सी रात, तो एक 1.5 inches सवेर में डुब्या होया सीगा जी, तो असी सवेरे फिर उपर करके बन्निया सी, तो हुण लगभग मैनूं लगदा भी दिने तकरीबन 4 inches के आस पास दिने भी पानी चढ़ गया जी जी, तो एक्चुअल स्थिति यह है जी जी। तो बाकी जेडे सारे इलाके असी बेनती करते हैं कि देखो 2 दिन की गल है जी, आप सारे कट्ठे होके हंबला मार देंगे, तो कहते होंगे वैसे तो अपना संघर्ष है कुदरत दे नाल, कुदरत नूं जित्या तो नहीं जा सकता, पर कहते होंगे ना हिम्मत अगे लक्ष्मी तो पक्खे अगे पाउण, जे आप हिम्मत करांगे तो फिर यह कोई भी गल नहीं हैगी जी, जे सारे इलाके दे हिम्मत करके इस तरह डट जाणगे बन्न दे उत्ते तो फिर आप पूरे इलाके नूं अपने पिंडां नूं अपने आने वाले समय में आप बचा लवांगे सारे इकट्ठे होके, पर एक कल्ले दा इह कोई कम नहीं हैगा, इह जगह जगह ते अपनी अपनी सारे पिंड जिम्मेवारी संभालन, जिथे जिथे जिस तरह की भी जरूरत है, जिथे बंदियां दी जरूरत है उथे बंदे आउण, जिथे मिट्टी की जरूरत है उथे मिट्टी आवे, ते जिथे ते जिथे जिस तरह की तुहाडे वर्गे भरावां की जरूरत है उह समय समय ते लोकां नूं एक्चुअल पोजिशन भी दसण, क्योंकि जित एक थां ते पैसा लगना, एक थां ते टाइम लगना, एक थां ते आपां नूं मैनुअल पावर चाहिए, एक थां ते जो एक्चुअल पोजिशन आ समान चाहिए जी, जे सारे बंदे रल मिल के सारे अपनी अपनी जगह पर कम करांगे, हुण बहुत सारे असीं देखदे आं, मैं तां पिछले 12 तरीक तो यह चीज़ नोट कर रहा भी बहुत सारे लोग लोकेशन से फोटो पा के तो घग्गर च बहुत पानी है, घग्गर च बहुत पानी है, फलानी जगह तो बन टुटन वाला जी, बन टुटन वाला तो क्यों टुटन वाला, टुटन वाला का मतलब वह बन माड़ा है छोटा है, वो एक्चुअल बेसिक लोड की है, बेसिक लोड है मिट्टी मिट्टी, जे आप सारे रल मिल के जिमें अपना इलाका एडा वड्डा, जे आप सारे रल मिल के एक एक ट्राली भी मिट्टी की पा देंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होंगे कि बन कितों टुट जाए। मैं लगातार 4 दिनों तो इस चीज़ के उपराले तो मतलब मैं कोशिश कर रहा, कल साढ़े पिंड वाले ने मेरा बड़ा सहयोग दिता, तो कल असी काफ़ी सारिया ट्रालियां भर के तो उस चीज़ को पूरे इलाके ने सराया कि अज फिर गए है उस चीज़ तो उत्साहित होकर, तो उस चीज़ तो उत्साहित होर भी इलाके वाले ने लगभग 100 ट्राली के करीबन फिरोजाबाद के आर पार एरिए मिट्टी सुट्टी, एकदम मिट्टी चलेगी इतने सारिया चीज़ें जिस जिस तरह की जिते जिते लोड़ है उत्थे उत्थे पहुँचाई जाए जी। ये जी बैक एक होंगी बंदे का फ्रंट ते काम करना, एक होंगी बैक, बैक तो बिना फ्रंट वाला बंदा कुछ नहीं कर सकता, एक्चुअल तो यही है भी आप रल मिल के सारे इतने इकट्ठे होकर बन दे उत्ते पैरा देंगे तो मिट्टी आ जाएगी, तो बस मुख खतरा है ही नहीं गा, कि जे आप पानी में चढ़ता वेख के डरी जाएंगे, डरना कि चढ़ी तो जाता ही आपको पता ही है, तो डरने वाली इतों कड़ी गल है, जो आप बैठे हैं आप बैठे ये वास्ते ही है ना, पैरा दो तो सवाल ही पैदा नहीं होंगे, जे अपना मुस्तैदी नाल पैरा ना तो सवाल ही पैदा नहीं हुंदा कि एक घर टुट जाए, क्योंकि मैं हुण देखदा तो बड़े लोग मतलब लोग ना जागरूकता होए पर कहिंदे हुंदे ठहर के हुंदे कई वारी गल नूं समझ तां आउंदी है ठहर के आउंदी है भी गल मतलब कोई बंदे जिहड़े गल कर रहे हैं ना, क्योंकि साडा तजर्बा है जी, मेरा तजर्बा है कि मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मुसीबतां दे विचों दी लंघिया, इहो जिहे हड़ पाणी मैं बहुत देखे है, ते तुहानूं भी पता ही है असीं पहाड़ां 'च भी रहे हैं 2-2, 3-3 साल रहे हैं, मतलब दिल्ली वर्गे शहरां 'च भी होर वड्डे शहरां फ्लडां विच भी मुसीबतां विच दंगियां विच भी, तो जदों बंदा एक्चुअल पोजिशन में जो लंघिया होवे ना उन्हें बहुत चीज़ा उन्हें पता होंगे, तो बहुत सारे लोग ये सोचते पता नहीं ये बंदे मतलब जानबुझ के इस तरह का कर रहे, तो मैं कहना भी सारे इलाके के लोग रल मिल के सहयोग कर, साडा कोई परसनल काम नहीं गा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहोजे उन्हों का कोई भी नुकसान होने वाला नहीं गा, घग्गर टुटन बहुत सारे 90% लोग उन्हों का कोई नुकसान होने वाला नहीं, पर
ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਤੈਦ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਆ ਉਹ ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਆ ਕੇ ਜੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਿਭਾਉਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਰਾ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12-12 14-14 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੱਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੱਡ ਪਈ, ਬੰਨ ਤਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 100 ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦਮਦਮੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਮਜ਼ਦੂਰ 50 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 22-23 ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 20-22 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ 50 ਬੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਲਗਭਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚੈਨ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ADC ਨਿਊਜ਼ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਘੱਗਰ ਦੀ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਦੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦਮਦਮਾ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਟਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਟੂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਮਦਮੇ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ, 2, 3, 4 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇੜੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ, ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਸਾਗਰ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਓਨਾ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਦਮਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ।